तो चलो आज हम बात करेंगे मार्वल की ऐसी हरकतों के बारे में जिन हरकतों के कारण मार्वल ने फैंस को सिर्फ चूतिया बनाया है। मतलब कि मार्वल अपने ट्रेलर और मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन दिखाता है जो कि होते ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर मार्वल ने कोई सीन ट्रेलर के अंदर दिखाया है तो वो मूवी के अंदर नहीं होगा, अगर मूवी के अंदर दिखा दिया है तो वो ट्रेलर के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को आगे देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फॉर होम की। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन और उसके अंट में स्टेज पर खड़े होते हैं। पीटर पार्कर अपना नॉर्मल स्पाइडरमैन का सूट पहने रहता है और ये सीन होता है ट्रेलर का। लेकिन मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन अपना नॉर्मल सूट नहीं बल्कि आयरन स्पाइडर सूट पहने रहता है जो कि हमें ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया जाता है। अब बात करते हैं इस सीन की जहाँ पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल के दौरान सभी सुपर हीरो थानोस की आर्मी से लड़ने के लिए जाते हैं। इन्हीं सभी सुपर हीरो के बीच में हमारा प्यारा हरा भरा दानव भी दिखाया जाता है। ये तो होता है ट्रेलर का सीन, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मूवी के अंदर हमें हल्क बस्टर आर्मर दिखाया जाता है और इस प्रकार से एक बार फिर से मार्वल ने हमारा काट लिया है। अब बात करते हैं इस सीन की और ये सीन है थोर रैग्नारोक मूवी का जहाँ पर हमारी हेला थोर के म्योनियर को कैच कर लेती है और ये सीन होता है ट्रेलर का। लेकिन मूवी के अंदर भी हमें ऐसा ही सीन दिखाया जाता है, बस इतना फर्क है कि मूवी के अंदर हेला के पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है जो कि शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया। अब बात करते हैं इस सीन की और ये सीन है स्पाइडरमैन नो वे होम का जहाँ पर ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन अकेले ही मूवी के एंड की फाइट में फाइट करने के लिए आ जाता है। लेकिन चूतिया तो तब बनाया जाता है जब हमें मूवी के अंदर यहाँ पर अकेला स्पाइडरमैन नहीं बल्कि उसके साथ दो और स्पाइडरमैन दिखाए जाते हैं। यानी कि ट्रेलर के अंदर ये सीन तो दिखाया गया है लेकिन वहाँ पर सिर्फ हमें एक स्पाइडरमैन दिखाया गया है और मूवी के अंदर यहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन मौजूद है। देख रहे हो मुन्ना, सोनी वाले भी हमें चूतिया बना रहे हैं, वो भी मार्वल के साथ मिलकर। अब बात करते हैं इस सीन की जहाँ पर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के ट्रेलर में हमें ये सीन दिखाया जाता है। ये सीन मूवी का एंड फाइट सीन होता है जहाँ पर हमें अवेंजर्स का ट्रायो दिखाया जाता है। लेकिन ये तो है हमारे ट्रेलर का सीन, मूवी के अंदर भी हमें ऐसा ही सीन दिखाया जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि इस सीन के अंदर मूवी में अवेंजर्स ट्रायो के साथ में या फिर कहूँ उनके पीछे वांडा और क्विक सिल्वर भी दिखाया जाता है जो कि ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। लेकिन मूवी के अंदर तो हमें यह सीन देखने को मिला है, यानी कि मार्वल बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ छुपाने का काम तो करता जा रहा है। और अगर आपने गौर से नोटिस किया होगा तो यहाँ पर ट्रेलर के अंदर हमें विजन भी नहीं दिखाया गया है जो कि मूवी के सीन में दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस सीन की और ये सीन है अवेंजर्स एंड गेम का। यहाँ पर ट्रेलर के अंदर हमारी ब्लैक विडो के हेयर का कलर कुछ और है, जब यही सीन मूवी के अंदर दिखाया जाता है तो हमारी ब्लैक विडो के हेयर का कलर और उनकी साइज बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं इस सीन की और ये सीन थोर लव एंड थंडर मूवी का है। ट्रेलर के अंदर तो हमें ये सीन दिखाया जाता है लेकिन मूवी के अंदर ये सीन बदलकर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें फर्क इतना है कि यहाँ पर ट्रेलर में दिखाया गया सीन का कलर मूवी के अंदर बिल्कुल ही बदल जाता है। तो बात करते हैं आज के वीडियो के फाइनल सीन की। ये सीन दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के ट्रेलर के अंदर जहाँ पर हमें आयरन मैन की टीम दिखाई जाती है। लेकिन जब इस सीन को मूवी के अंदर दिखाया जाता है तो इसी सीन के अंदर आयरन मैन की टीम में स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाता है, लेकिन वहीं पर स्पाइडरमैन को ट्रेलर के इसी सीन के अंदर नहीं दिखाया जाता है लेकिन मूवी के अंदर तो पूरी तरह से दिखाया जाता है। वहीं पर ट्रेलर के अंदर मार्वल वाले हमसे स्पाइडरमैन को छुपा लेते हैं। तो भाइयों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और उस लाल बटन को दबा देना और शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना काफी है।